शेरवान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 उसका पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो इस पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नंबर पर हम ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। ए के ट्रांसपोज के लिए हमें क्या चाहिए, ए का मैट्रिक्स चाहिए 0 1, इसके ट्रांसपोज का साइन लगा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या आएगा कि आपने ये वाला जो कॉलम होगा इसको आपने कतारों के अंदर लिख देना है, यानी कि इस मैट्रिक्स को आपने रोज के अंदर लिख देना है। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करना है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 2 0 1, माइनस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 1 0 2 1, आपने इन दोनों को माइनस करना है। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। ये आ गया जी आपके पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट है जी आपके पास ए माइनस ए के ट्रांसपोज की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या होगी, 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, 2 में से 0 गया तो 2, और 0 में से गया यहाँ पे आ जाएगा -2, 1 में से 1 गया तो 0। ये आ गया आपके पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपने लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0, इसका फिर ट्रांसपोज लेना है। तो ये वाला जो कॉलम है आपकी कतारों में चला जाएगा 0 माइनस 2 2 0। ये आ गया आपके पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। अब देखें जरा इस वाले मैट्रिक्स में और इस वाले मैट्रिक्स में क्या फर्क है कि आपका जो a माइनस ए का ट्रांसपोज है वो बराबर नहीं आ रहा a माइनस ए के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने इस वाले मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करना, माइनस से इस वाले मैट्रिक्स को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना, यानी ये हो जाएगा माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सम वाली वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली जो है वो सम हो जाएगी। ये आ जाएगा 0 माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखें जरा आपके पास जो वैल्यूज है इसकी, इस मैट्रिक्स की ए माइनस ए के ट्रांसपोज की और इसकी वैल्यू जो है वो दोनों बराबर आ गई। तो फिर आपने क्या लिखना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको इधर माइनस मेंशन करना है और साथ आगे आपने बराबर में लिखना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज। ये अगर दोनों ऐसे बराबर आएंगे माइनस के साथ, इस माइनस के साथ अगर दोनों बराबर आए तो फिर लिखना है कि इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही आपने प्रूव करना था। थैंक यू।